अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मीनी, और ये है मेरे हस्बैंड। और अब हम आज आपको लेके जा रहे हैं DHA नर्सरी, जो कि फेज 5 पे है। अच्छा, जो पहले गाजी रोड पे फेज 1 में होती थी, वो अब यहाँ शिफ्ट हो गई है के ब्लॉक वाली। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाए हैं एक मज़ेदार सा पौधा लेने, जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इलायची का पौधा लेने जा रहे हैं हम। तो इलायची के पौधे में अगर वो इलायचियाँ लगी हुई हुई उस वक्त, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ से अक्सर पौधे लेने आते रहते हैं, और यहाँ पे पौधे बहुत मुनासिब कीमत में होते हैं, और वैरायटी भी बहुत है। वैरायटी भी बहुत है, और सबसे अच्छी बात ये मुनासिब कीमत है उनकी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, और अब हमने गाड़ी रोक दी है और हम उतरते हैं अब पौधे लेने के लिए। ये देखें, ये कितनी बड़ी नर्सरी है। ये देखें, ये कितने खूबसूरत फूल हैं ये वाले। आई थिंक ये भी सर्दियों के ही, नहीं ये गर्मियों के सीज़न के हैं। हाँ, ये गर्मियों में आते हैं। इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये आते गर्मियों में ही हैं। ये बहुत बड़ी नर्सरी है, और इंतहाई मुनासिब पैसों में अच्छे पौधे दस्तियाब होते हैं। ये रखे हुए यहाँ पे तुलसी और न्याज के। अच्छा, तुलसी भी रखा हुआ है। ये बताएं, इलायची का पौधा है। इधर आके बताएं, इधर आके बताएं। मैं तुलसी तेरे आंगन की। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? जी, मैं मोहम्मद साजिद, मेरा नाम है। अच्छा साजिद, जी साजिद भाई, मुझे इलायची का पौधा दिखा दें। इलायची का पौधा मैम आपको थोड़ा सा आगे करके मिलेगा। आगे ये तुलसी है। ये तुलसी है। अच्छा, न्याजबो है। अच्छा, ये न्याजबो है। हाँ जी, ये न्याजबो है। ये अच्छा, न्याजबो के क्या फायदे होते हैं आप चेक करें मैम। ये बेसिकली मच्छर मक्खी। हाँ, जैसे जैसे पानी देंगे ये अपनी महक निकालेगा। अच्छा, ये भी एक पौधा निकाल दें। ये भी निकाल दें, बड़ी आरामदायक चीज है, और खूबसूरत दिखाते हैं। इलायची दिखाते हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये देखें, ये मनी प्लांट देखें कितने खूबसूरत हैं। इनके भी पैसे मुनासिब होते हैं। अच्छा, ये देखें, मनी प्लांट है ना, एक ही किस्म के होते हैं। उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है ना खाद की, तो वो डिफरेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं। हमने एक नॉर्मल सी वो लगाई थी मनी प्लांट, तो उसकी हमने कॉम्पोजिशन डिफरेंट की। उसमें हमने काव डंक और यूरिया और कंपोस्ट ये सारी चीज़ें डाली थी, तो उससे अच्छी कॉम्पोजिशन बनी, उससे पत्ते बड़े हो गए थे और बहुत हेल्दी हो गई थी वो बेल। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं इस तरफ, वो राइट पे है पौधा। ये हम जा रहे हैं इलायची के पौधों की तरफ। जी, कहाँ है इलायची का पौधा? ये इस पौधे का नाम इलायची है। अरे नहीं, ये ये नहीं जो इलायची लगती है पौधे में, वो कराची से मिलेगा। कराची से मिलेगा मैम, लेकिन हमारे पास जो पंजाब का पौधा है वो इलायची, हम इसको अच्छा। अच्छा, हाँ, इसका शेड ऐसा है ना इलायची का, पत्ते का। हाँ, अच्छा ये बताएं, वो आएगा आपके पास क्या इलायची का पौधा? मुल्तान में तो मिलता है। मुल्तान में तो मिल रहा है, ठीक है। ये आसपास की नर्सरी से भी आपको मिलेगा, लेकिन हमारे पास राइट टू अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आएगा क्या आपके पास? कब आएगा ये? इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कमिंग वीक तक आएगा। ये डिमांड लिखी हुई है। अच्छा, इसमें इलायची, तुलसी, न्याजबो, फिर ये तकरीबन एक दो और प्लांट्स हैं, सारे इंशाल्लाह कमिंग वीक तक आ जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते में आती हूँ। ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल इलायची का पौधा चाहिए। तो जनाब, हमारे साथ हो गया ये एक हैंड, और हम आए थे इलायची का पौधा लेने। अब यहाँ मकामी ज़बान में पौधों के अलग अलग नाम होते हैं, तो अब हम इंशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा जो भी उनका स्टॉक, उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखवा दी है, और वो आएगा स्टॉक, तो फिर मैं आपको दोबारा नर्सरी लेके आऊँगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे हस्बैंड को भी, और जाने मेरे हस्बैंड की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हर वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।